हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू न्यू वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार्लोस पोयालो को कैसे किस तरीके से आप खरीद सकते हो, मींस कि किस तरीके से आप उसको जीत सकते हो, तो उसके बारे में मैं आपको बता दिया था। बट अभी जो सीन है वो ये है कि आप उसको अनलॉक कैसे करवाओगे, मींस कि उसके लिए आपको 3 स्पेनिश प्लेयर्स वो मांग रहे हैं 80+ वाली OBR के साथ, ठीक है। तो पहले तो मैंने यहाँ पे चेक कर रहा था, तो मेरे पास दो तो थे लेकिन एक नहीं था, 77 वाला एक था मेरे पास, ठीक है। तो मैंने इसको डिसाइड किया, पहले मैं इसको सारी की सारी पहले इसको मैं लेवल अप करा लेता हूँ, तकरीबन 80 तक मैं इसको पहुँचा देता हूँ, ताकि क्या पता मेरे पास वो अनलॉक हो जाए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी दो थे पहले, 83 के दो थे, तो एक नहीं था मेरे पास। तो मैंने इसको ट्राई कर रहा था कि मैं इसको 77 से 80 तक पहुँचा दूँ, तो उसको पहले मैं अपडेट करे जा रहा था। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखना, जब भी आप इसको अपडेट करनी है, फिर किसी भी प्लेयर को अपडेट करना है, तो उसके अंदर एक ऐसे प्लेयर्स भी आ जाते हैं जो आपके मेन प्लेयर्स होते हैं, जिसकी लेवल आप अपडेट करोगे तो फिर वाले प्लेयर्स आपके पास से बिल्कुल ही डिसअपेयर हो जाएंगे, वो बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार चेक कर रहा था कि मेरे पास जो प्लेयर्स जो मेरे पास ऑलरेडी स्पेनिश के दो प्लेयर्स हैं जो मेरे को ऑलरेडी देना है उन लोगों को एक्सचेंज के लिए, तो वो इसके अंदर शामिल तो नहीं है। करने के बाद इसको अपडेट किया था और इसका रैंकअप भी किया। रैंकअप के अंदर पैसे वगैरह मांग रहे तो कोई मसला नहीं है, पैसे तो वैसे भी आते रहते हैं। आप अभी जो इवेंट चल रहा है उसका, फीफा का वर्ल्ड कप का, तो वो भी खेल खेल के पैसे बहुत कमा सकते हो, ठीक है। तो पैसे तो आते रहते, मेरे पास भी 4 मिलियन थे, तो उसको कम कर होते होते मेरे पास ऑलमोस्ट तकरीबन 1 मिलियन तक पहुँच गए थे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको बार बार रैंकअप करे जा रहा हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी बहुत इसकी अपडेट्स हो जाएँ, तो इसको तकरीबन मैं 80 तक पहुँचा दूँगा। तो जब तक 80 तक हो रही है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसके वाले से आपको मज़ीद मालूम भी मिल सके, और मैं गेम प्ले की वीडियोज़ भी डालता रहूँगा इसके ऊपर। और एक और चीज़ बतानी थी गाइस आप लोगों के, मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसके ऊपर मैं क्रिकेट एनालिसिस के वाले से मैं बात करता हूँ, मींस के क्रिकेट के अपडेट्स के वाले से, अभी जो भी मैच खत्म होता है उसके वाले से मैं उसके अपडेट्स के वाले से बताता हूँ। तो उसके ऊपर अगर कोई भी इंटरेस्टेड है जाने, या फिर कोई भी फीफा का कोई भी फ़ैन है वर्ल्ड कप का, तो जो भी लास्ट टाइम रिसेंटली जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 के अंदर, उसके ऊपर भी मैंने सारी वीडियोज़ डाली हैं, उसके मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई दी है, तो आप वो चेक कर सकते हो कि उसके वाले से आप कोई भी इंटरेस्टेड है अगर क्रिकेट के वाले से या फिर फीफा के वाले से, तो वहाँ से आप लोगों को वो वीडियोस मिल सकती हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वो भी सब्सक्राइब कर देना, ये भी सब्सक्राइब कर देता हूँ, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना, बिकॉज इसके ऊपर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं कि किस तरीके से आप इवेंट्स वगैरह अनलॉक करवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, मेरी यहाँ पे 15 लेवल हो चुकी है और ऑलमोस्ट मेरी 80 तक पहुँचा दिया था मैंने इसको रैंक अप करने के बाद, तो 80 तक मैंने इसको पहुँचा दिया था। बट 80 तक पहुँचाने में मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए, ऑलमोस्ट मेरे पास 1.9 मिलियन ही बाकी है, तो इसके ऊपर भी मैं यूज़ भी कर लूँगा इसको मज़ीद, तो 1.1 मिलियन रह जाएगा। तो इसको मैं एक दफ़ा और चेक कर रहा था कि, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे थे वो आ रहे थे, एक मेरा मेन बंदा है 99 प्लेयर का, तो मैं उसे खेलता नहीं हूँ, लेकिन उसके ऊपर मेरे पास यही मेरे पास ऑप्शन में आ रहा था, इसके अलावा मेरे पास दो नहीं आया। देखो मेरे पास दो थे 82 और 83 का, लेकिन एक मेरे पास 99 का वाला बार बार शो हो रहा था, तो वो हट ही नहीं रहा था, तो इसके ऊपर फिर मेरे को मजबूरन मुझे इसकी बली देनी पड़ी मेरे को उसकी। तो उसके लिए मैंने क्या चेक करा, पहले मैंने दोबारा से चेक किया कि अगर मेरे पास वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा उस चीज़ का, मतलब जो मैंने अभी जो अपडेट करा है उस बंदे को, अगर वो मेरे पास बंदा नहीं आ रहा उसके अंदर, तो फिर मेरे को मजबूरन वही वाला देना पड़ेगा, मेरा जो पहले वाला जो स्पेनिश का जिसकी 99 OBR चल रही थी। लेकिन इसके ऊपर मेरे को एक यहाँ पे मेरे को एक बेनिफिट भी है इस चीज़ का कि यहाँ पे कार्लोस पोयालो जो है, आप लोगों को पता है, मुझे पता, बहुत अच्छा प्लेयर है। तो इसके लिए पहले मैंने इसको क्या करा, यहाँ से जितनी भी मेरी टीम्स बनी हुई थी इसके ऊपर से मैंने सब जगह से उस बंदे को हटाया, जैसे 99 प्लेयर का जो बंदा है इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने केन रख दिया था, केन भी मेरा खुला हुआ है, इंग्लैंड का जो प्लेयर है, इंग्लैंड का जो कैप्टन है केन, वो भी खुला हुआ है। तो इसको पहले मैं चेक करूँ कि वो बंदा किधर है, देखो मेरे को बंदा मिल गया। स्पेन को वाला मैंने बंदा हटा दिया, तो उसको मेरे को इसको आपकी जितनी भी टीम्स बनी हुई है सब जगह से इसको रिमूव करना होगा, तभी जाकर वहाँ पर अनलॉक होगी। क्योंकि जब तक अगर वो इनलाइन के अंदर प्लेयर होगा तो तब तक कि आप इसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे, या फिर वहाँ पर आपका ऑप्शन ही नहीं आएगा करने का, ठीक है। तो देखा, अभी मैंने जैसे चेक किया तो यहाँ पे मेरे पास लीग्स वगैरह में सारी जीत चुका था। अब यहाँ पे देखें एक्सचेंज के अंदर मेरे पास वो बंदा अनलॉक हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं मेरे पास वो बंदा अनलॉक हो चुका है। इसको मैंने कंफर्म करो, इसको मैंने एक्सचेंज कर लिया, और देखें मेरे पास कार्लोस पोयाल प्लेयर आ चुका और मेरे पास ये अनलॉक हो चुका। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है प्लेयर्स तो आप इसको मज़ीद खेल सकते हो, आप इस मज़ीद खेलने के बाद आप इसकी कार्लोस पोयाल को अनलॉक कर सकते हो। बाकी इसके बारे से मज़ीद मैं आपको बता दूंगा, अभी फ़िलहाल मेरे को पास ये खुल चुका और मेरा एक 99 वाला जा चुका, जो कि मेरे को दुख हुआ था, लेकिन इसके ऊपर कोई मेजर नहीं है, क्योंकि मैं इसको भी अपडेट करके आगे कर सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मज़ीद के लिए मैं बता दूंगा आपको, बाकी फीफा के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ होंगी, क्योंकि उसका भी वर्ल्ड कप चल रहा है, मतलब गेम के अंदर जो आपका वर्ल्ड कप चल रहा है उसके बारे से बता दूंगा, वहाँ से भी आपको प्लेयर्स मिल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक को बटन को छू लें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मज़ीद इसके बारे से बताता रहूँ और मज़ीद इसके बारे से मैं आपको अपडेट्स देता रहूँ, ठीक है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।